सानी ने कहा चुनाव की तैयारियों पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा सभी वार्डो में बीएलओ द्वारा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के सहयोग से नाम बढ़ाने का चल रहा है कार्य। 18 नवंबर तक मतदाता सूची की फाइनल सूची को किया जाएगा जारी। गोरखपुर के राजघाट थाने में बैरक की छत से गिरकर सिपाही अभिषेक कुमार सिंह की हुई मौत। साथ ही सिपाहियों ने भिजवाया हॉस्पिटल, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। एडीजी, डीआईजी व एसएसपी ने घटना स्थल का किया निरीक्षण, कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी आगे की कार्यवाही। डेंगू के मरीजों की जनपद में लगातार बढ़ रही है संख्या। अभी तक कुल मिले 123 डेंगू के मरीज। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव होने से होता है डेंगू, नहीं है प्लेटलेट्स कम होना या ज्यादा होना डेंगू का लक्षण। मच्छर के काटने से बचे, करें मच्छरदानी का प्रयोग, पहने फुल आस्तीन का कपड़ा। को आयोजित होने वाले मेगा लीगल कैंप की तैयारियों को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा 8 नवंबर को कोई भी नागरिक प्रेक्षागृह में आकर रजिस्ट्रेशन करवाकर शासन की योजनाओं का ले सकता है लाभ। इस साल काला नमक धान के बंपर पैदावार होने के हैं आसार। कम ग्लूकोज के कारण मधुमेह के रोगी भी भरपेट खा सकते हैं काला नमक चावल। भौगोलिक सूचकांक वाले 11 जिलों में 70,000 हेक्टेयर रकबे में हुई है काला नमक की खेती। किसानों की आय इस वर्ष 3 गुनी तक होने की है उम्मीद। दीवानी न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आईएमए के सहयोग से आयोजित फ्री हेल्थ कैंप का जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने फीता काट कर किया शुभारंभ, करवाया खुद का हेल्थ चेकअप, कहा समय पर हेल्थ चेकअप करवा कर रह सकते हैं स्वस्थ। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में जिला उद्योगी बंधु की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। उद्यमियों की समस्याओं को गुणवत्ता युक्त समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करने को संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। एडीजी जोन अखिल कुमार ने यातायात पुलिस द्वारा आयोजित जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर यातायात माह का किया शुभारंभ, कहा यातायात माह में यातायात पुलिस आम जनता को यातायात नियमों के बारे में करे जागरूक। डेंगू के डंक ने मलेरिया, फाइलेरिया और कालाजार को छोड़ा पीछे। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बने डेंगू वार्ड का जिला अस्पताल के एसआईसी ने किया निरीक्षण, कहा पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, बेड, मच्छरदानी, स्पेशल डॉक्टर हैं उपलब्ध, बढ़ाई गई है बेडों की संख्या। और स्वर्गीय कामता प्रसाद राय की स्मृति में जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का किया गया आयोजन। जिला चैंपियनशिप में जनपद के प्रतिभागी खिलाड़ियों में से ही जिला टीम में होंगे सेलेक्ट खिलाड़ी, जो मऊ में होने वाले स्टेट वॉलीबॉल चैंपियनशिप में करेंगे प्रतिभाग।